पैसे का कुआं मान लो या फिर वो मान लो भाई हेडलाइट थी 22,000 रुपये की। अलॉय ये कितने इंच के हैं? 17 इंची है। शोक अलॉय में हम 4 जने थे। अच्छा। और लगेज भरा हुआ था। अच्छा। सिस्टम वगैरह सब 26 की एवरेज निकाली है। ये ऑडी Q2 से इंस्पायर्ड है। ऑडी की जो Q2 आती है उसमें ऐसी होती है ना। हेलो गाइस, कैसे हो सारे भाई? तो भाई आज की वीडियो में देखो भाई, पोलो आ चुकी है, बहुत ही ज्यादा तगड़ी रहने वाली। जैसे कि आप देख ही रहे हो कि कितना मस्त भाई ने इसमें रैप करा रखा है। सारी चीजें पूछेंगे क्योंकि भाई हैचबैक के मामले में पोलो किंग के नाम पे आती है भाई। बिल्कुल सारी चीज भाई से पूछेंगे कि क्या क्या मॉडिफाइड करा रखा है ये रैप के बारे में, अलॉय के बारे में और पीछे जो भी है। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, उससे पहले आप सिनेमैटिक शॉट देखे, सिनेमैटिक बहुत ज्यादा तगड़े होने वाले हैं भाई, स्किप मत करना बिल्कुल भी। आ चुके हैं हमारे भाई, सबसे पहले नाम पूछते भाई, क्या नाम है भाई? तन्मय। कैसे हो भाई? भाई बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया भाई, कहाँ से होकर ये भी बता दो भाई? रोहिणी से ही है। रोहिणी से ही हमारे भाई हैं। भाई की गाड़ी है पोलो। तो यार मतलब भाई सबसे पहले ना, हैचबैक में ना पोलो का नाम आता है तो भाई ऊपर याद है, इससे ऊपर मतलब हैचबैक में कोई गाड़ी नहीं है चाहे नहीं है बस जो मतलब भगाने के उसमें लगा लो या जैसे मर्जी लगा लो भाई, पोलो पोलो ही है। तो भाई ये बताओ सबसे पहले अपनी गाड़ी का मॉडल कौन सा है भाई? 2015 हाईलाइन। 2015 हाईलाइन, क्योंकि उसमें हाईलाइन होता है टॉप, बिल्कुल है ना। और भाई आपने इसमें मतलब जैसे 2015 ये डीजल है पेट्रोल है? डीजल। डीजल में ले रखी है, मतलब भाई पेट्रोल क्यों नहीं और डीजल क्यों, ऐसा कुछ भाई? डीजल मिल गई थी उस टाइम। अच्छा, ले ली। बहुत ज्यादा बढ़िया। मतलब यार पोलो 500 तो भगाने में और भी ज्यादा मजा आता होगा जैसे डीजल है तो क्योंकि भाई पोलो तो जानी परफॉर्मेंस के नाम से जाते हैं। देखो फ्रंट से कुछ ऐसे लुक भाई ने करा रखा है, बाकी चीजें तो बाद में पूछूंगा, पहले ये पूछूंगा भाई ने ये क्या लिखा रखा। भाई ये क्या लिखा रखा है इसके बारे में बताओ भाई? मनी पिट है ये। इसका मतलब भाई? मतलब पैसे का कुआं मान लो या फिर वो मान लो। अच्छा, गड्ढा मतलब पैसा बहुत है वो वाली बात। डालते जाओ खाती जाएगी। अच्छा, ये खाती जाएगी, मतलब इसमें जितना मर्जी पैसा लगा लो ये नहीं बोलेगी अब मत लगाओ ना। अच्छा, पैसे का कुआं है। अच्छा, गाड़ी का नाम रख रखा आपने ये, है ना। चलो बहुत ज्यादा बढ़िया। उसके बाद आते भाई सबसे पहले हेडलाइट की। भाई हेडलाइट ऐसी मैंने पोलो में देखी नहीं है भाई। देखी होंगी वो तो, पर स्टॉक नहीं आती। अच्छा, स्टॉक नहीं आती। आफ्टरमार्केट लगा रखी ओडी A4 डिजाइन। ओडी A4 डिजाइन में ये भाई ने मतलब लगवा रखी है भाई। देखो हेडलाइट दिखाता हूँ मैं, देखो कितने तगड़ी भाई मैट्रिक्स तरीके से जल रही है। और भाई प्रोजेक्टर में क्या आता है इसके भाई? इसमें वैसे तो पीली लाइट ही आती है। अच्छा, एलईडी लगवा रखी है। एलईडी लगा रखी है, वो कितने वोट की कुछ आइडिया भाई? 102 से 120 वोट। मतलब थ्रो वगैरह सी है ना, जैसे मैं देख रहा हूँ भाई जेड गाड़ी। फ्रंट नहीं करा रखा भाई? नहीं भाई फ्रंट नहीं। क्यों भाई? बस वैसे ही यार, क्योंकि भाई ऐसा है ना रोहिणी में जैसी भाई एंटर करते हैं ना एक से एक जेड गाड़ी दिखती है। तो भाई आपने मतलब फ्रंट छोड़ रखा, वैसे भाई की गाड़ी भाई बहुत प्यारी लगती है। अच्छा, तो दिक्कत हो जाती है। तो चलो भाई लाइट कुछ ऐसी है, मतलब रिस्पॉन्स वगैरह सही है। और भाई फोग लैम्प में अपना कुछ? फोग लैम्प में HID है भाई। फोग लैम्प में HID लगा रखी है भाई ने। तो भाई अगर मैं पूछूं सबकी क्या प्राइसिंग पड़ेगी, फोग लैम्प की क्या प्राइसिंग है भाई? याद नहीं यार, HID वगैरह एक साथ करवाया था। अच्छा अच्छा। और भाई अगर मैं हेडलाइट ही पूछूं तो भाई? हेडलाइट थी 22,000 रुपये। भाई 22,000 की अपनी सिर्फ दोनों हेडलाइट? मतलब भाई ऐसा नहीं लगता कि 22,000 की सिर्फ हेडलाइट ले रहा हूँ मैं भाई। लुक ही देख लो आप। लुक तो मतलब भाई बहुत ज्यादा भयंकर आ रहा है, पर भाई 22,000 भी तो बहुत ही ज्यादा होते हैं भाई। अब शौक की कोई कीमत है क्या? ये तो है। बाकी भाई ने यहाँ पे देखो लगवा रखे हैं भाई फ्लैशर, वैसे हम रिकमेंड नहीं करते। देखो जला भी दिए, बहुत प्यारी लग रही है। देखो वैसे भाई ये रिकमेंड नहीं करते ये चीजें
भाई पुलिस वाले मत जलाओ, व्हाइट जला लो। हाँ व्हाइट जला लो भाई, एक बार जलाना व्हाइट, देखो ये भी बढ़िया लगती है भाई, व्हाइट अच्छे लगते हैं भाई, पुलिस वालों को दिक्कत होगी। हाँ बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। और नीचे भाई ने रूट्स भी लगा रखे थे, देखो इनके तो क्या ही प्राइस पूछिए, एसेसरी का पार्ट है आपको कहीं भी मिल जाएंगे, रिकमेंड तो हम करते नहीं। बाकी भाई आप बता रहे थे आपने फेसलिफ्ट वगैरह करा रखी है। हाँ भाई ये 2015 मॉडल है, इसमें जी टिकट लगवा रखा है। अच्छा जी टिकट लगवा रखी है भाई, उसमें क्या क्या ऐड होता है अपना भाई? उसमें है अपना पूरा बम्पर, अच्छा फॉग लाइट, फॉग लैंप के कवर, अच्छा अच्छा और मतलब पूरी। तो भाई ये अगर 20 पीस की किट आती है, 20 पीस में आती है भाई ये किट। और भाई अगर मैं पूछे इस किट की क्या प्राइस पड़ जाती है भाई? 20-22 हज़ार। 20-22 हज़ार की, अच्छा ये भी हो जाती है। तो भाई एक बार साइड प्रोफाइल में आओ, फ्रंट से तो हमने बात कर ली है, गाड़ी बहुत गदर बना रखी है भाई ने। यहाँ पे देखो भाई अलॉय व्हील कितने प्यारे लग रहे हैं, मतलब ब्लैक गाड़ी भाई, ब्लैक अलॉय व्हील भाई ने इसमें लगा रखे, क्रोम के साथ इधर थोड़ी सिल्वर में दे दी भाई, कॉम्बिनेशन में एकदम तगड़ा बना रखा है ना भाई ने देखो। तो भाई अलॉय पे आते हैं कि अलॉय ये कितने इंच के हैं भाई? 17 इंची है। 17 इंची के भाई ने इसमें अलॉय लगा रखा भाई, इस पे कुछ देखने को मिल रहा है क्या लिख रखा है? टायर स्टिकर है, बिच रिलैक्स के, बिच रिलैक्स, अच्छा चलो भाई 17 इंची में भाई ने देखो ये टायर स्टिकर भी लगवा रखा है। भाई अगर मैं पूछूं टायर कौन सी कंपनी के अपने भाई? चाइनीज टायर है। चाइनीज टायर है, तो क्या प्राइसिंग पड़ जाती है भाई अगर ऐसे कोई 17 इंची लगवाए चाइनीज टायर के साथ? अलॉय तो आ जाते वही अपने 40-45 हज़ार, 40-45 हज़ार के अलॉय आ जाते हैं। और टायर है 5,000-5,500 रुपए का एक होता है। अच्छा 5,000-5,500 का एक टायर है ना, क्योंकि भाई देखो 17 इंची में भी लगवाना चाहे तो उनका होगा 6,500-7,000 रुपए का एक टायर। अच्छा अच्छा, तो भाई ओवरऑल अगर मैं पूछूं कितने में लग जाएंगे दोनों चीज भाई? 50-60 हज़ार रुपए में लग, 50-60 हज़ार में लग जाएंगे चाइनीज टायर के साथ ना। हाँ। अगर भाई अगर कोई कंपनी का लेता तो फिर तो ऊपर जाएगी बात, वो अलग बात पड़ जाती है फिर, है ना। तो भाई देखो बहुत ज्यादा बढ़िया। अच्छा भाई जैसे पोलो गाड़ी है, इसमें स्टॉक कितने आते हैं भाई? इसमें 15 इंची आते हैं, इसमें 15 इंची आते हैं कंपनी से, आपने इसमें 2 इंची एक्स्ट्रा लगवा दिया है ना। तो भाई जैसे आप कितनी भगा चुके हो गाड़ी को अभी टॉप स्पीड? भाई आज तक एक ही बार भगाई 180। हाँ। तो भाई ये 17 इंची पे भगाई थी? 17 इंची पे। तो कैसी चल रही थी मतलब गाड़ी उस टाइम? ठीक है भाई, स्टेबल है। क्योंकि ऐसा होता है ना भाई, कहते हैं कि देखो 2 इंच एक्स्ट्रा लगवा ली उससे भी फर्क पड़ता है, फिर चाइनीज टायर है तो लोग बोलते हैं कि गाड़ी बबलिंग वगैरह लेती है। बिल्कुल एकदम सही। और भाई अगर मैं पूछूं ब्रेकिंग वगैरह ओके रिपोर्ट? भाई ओके, बिल्कुल ओके। अच्छा भाई माइलेज बता दो इसी के साथ साथ। भाई माइलेज ये लोकल में जैसे अपनी गली गलियों में हंडाते हैं, अच्छा तो भाई 8-10 की दे देती है। 8-10 की दे देती है। नॉर्मल सिटी में चलेंगे, मान लो यहाँ से मेरे को जाना फरीदाबाद, अच्छा। या छतरपुर, ऐसे मतलब जो सिटी होती है भाई उसमें दे देती है 15-16 आराम से चला। अच्छा अच्छा। और हाईवे पे तो बस पूछो मत, 20-22 से नीचे बात नहीं। अच्छा 20-22 से नीचे, मतलब आप एवरेज भी फिर एक स्पीड पे? स्टॉक एलॉय में हम 4 जने थे, अच्छा लगेज भरा हुआ था, अच्छा सिस्टम वगैरह सब, 26 की एवरेज निकाली है भाई पोलो गाड़ी से, 26 की एवरेज। हाँ भाई। और वाह भाई, मतलब ये भाई एक पोलो लवर्स के लिए या जिस भाई पे भी पोलो है उनके लिए बहुत बड़ी बात होने वाली है अगर वो सुन रहे हैं तो। बोलो भाई 26 की तो बहुत ज्यादा हो गई भाई। मेरी भाई ये नहीं देती 26 की, पेट्रोल पे CNG पे दे देती है भाई। पोलो पेट्रोल भी देती है 20-22। अच्छा पर फिर तो भाई वो वाली बात है, चलाने के ऊपर बात है, जैसे चलाओगे ना। अब भाई आते हैं इसके मेन रैप पे, देखो इसमें भाई हो रखा है सैटन ब्लैक रैप, कितनी ज्यादा मस्त लग रही है, सिनेमैटिक दिखा दी आपको, हर साइड से गाड़ी दिखा दी। यहीं से बात करते, तो भाई गाड़ी का ओरिजिनल कलर क्या है भाई? ओरिजिनल कलर रेड। ओरिजिनल कलर है रेड। वैसे भाई देखो ये भी इनलीगल चीज है रैप वगैरह ना भाई, है पर वही है यार, शौक है, शौक है भाई, अच्छी लगती है गाड़ी। हम कहीं बाहर जाते तो उतार ही देंगे। सही बात है भाई, देखो लोकल लोकल में चल रही है जब तक ठीक है। तो भाई सबसे पहले तो ये बताओ कि जब ऐसी गाड़ी, पोलो जैसी गाड़ी में, मतलब हैचबैक गाड़ी पे ऐसे सैटन ब्लैक रैप हुआ है तो कितना टाइम लगता है, मतलब होने में कितने दिन लग जाते हैं? मेरे तो 2 दिन लगे, 2 दिन लगते। 2 दिन में मतलब पूरी गाड़ी अच्छे से रैप हो गई है ना। तो भाई आज तक भी ऐसे कोई कंप्लेंट आई इस रैप में? नहीं भाई ऐसे तो कुछ नहीं आई। बिल्कुल मतलब ओके की रिपोर्ट है। और भाई अगर जैसे कोई और ऐसे गाड़ी पे कराए तो उसके लिए क्या प्राइसिंग पड़ने वाली है और आपको कितने की पड़ेगी मतलब? ये भाई बेस प्राइस तो 25,000 रुपए होता है। अच्छा हैचबैक के लिए तो 25,000 में मतलब आपकी गाड़ी अच्छे से रैप हो गया ना। तो भाई कितना टाइम हुआ ऐसे रैप कराए हुए? भाई ये मैंने कराई थी 26 जनवरी से पहले ही करवाई। अच्छा 26 जनवरी से पहले ही कराई थी, अभी तक भी तक तो। हाँ अभी तो भाई महीना क्या, अभी तो मतलब वही 10-15 दिन ही हुए हैं, तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगती है देखो पीछे से भी। और पीछे भाई जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है भाई वो है इसकी टेल लाइट, देखो कितने मतलब मस्त तरीके से भाई ने लगवा रखी है। भाई ये किस चीज से इंस्पायर्ड है ये बताओ? ये ऑडी Q2 से इंस्पायर्ड है। ऑडी की जो Q2 आती है उसमें ऐसी होती है ना बहुत ज्यादा मस्त भाई, ये भी किसी से कम नहीं है। वोल्सवैगन का नाम ही काफी है वैसे भाई। और भाई फिर वोल्सवैगन और ऑडी एक ही ओनर है ये तो सबको पता ही होगा। तो भाई देखो ऐसा कुछ यहाँ पे आपको लाइट मिलती है, यहाँ पे इंडिकेटर वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से मिल जाती हैं भाई। इसमें वैसे ना पोलो में बहुत सारे डिजाइन आते हैं, आपको यही क्यों लगवानी थी भाई? एक तो ये ट्रेंडिंग चल रही थी। अच्छा अभी जैसे ऊपर से यार वो मर्सिडीज वाली ना स्विफ्ट वगैरह में बहुत ज्यादा। अच्छा वो वाली नहीं पसंद। अब वो है कि कुछ हटके लाना है मार्केट से, है ना। तो भाई क्या प्राइसिंग पड़ेगी जाती है ऐसी जो अपनी ताइवान वाली लाइट होती है?
11,000 रुपए की अपने दोनों ना ताइवान वाली लाइट पड़ गई। सूट खोलो पीछे है तो एक बार, और उससे पहले देखो भाई स्पॉइलर दिखाता हूँ मैं। भाई ने यहाँ पे ये भी जेड करा रखा है, कुछ ऐसा भाई वाइपर मिलता है, टॉप मॉडल है। और यहाँ पे भाई ने स्पॉइलर, और भाई क्या कहते हैं स्पॉइलर को, ये भी भाई जीटी स्पॉइलर है, जीटी स्पॉइलर ओरिजिनल, ओरिजिनल जीटी स्पॉइलर भाई ने इसमें लगा रहा। भाई क्या प्राइसिंग पड़ती है इसकी, पता नहीं यार 2500-3000 रुपए के आसपास, 2500-3000। अच्छा मतलब कितना टाइम हुआ है फिर इसे, तो बहुत सस्ता, इसको तो 1.5-2 साल हो गए, 1.5-2 साल हो गए, फिर तो भाई वर्थ इट है ना, एकदम आज तक कहीं नहीं गया, आज तक नहीं गया। चलो भाई बहुत अच्छी बात। भाई एक बार बूट खोलो इसका और ऑडियो में दिखाओ क्या लगवा रखा है। भाई की इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पे भी शो हो रही होगी, यहाँ पे दिखा दी। तो देखो भाई ऐसे कुछ भाई ने इसमें ऑडियो सेटअप लगवा रखा है। भाई ऑडियो में यहाँ पे ये क्या क्या लगा हुआ बताओ इसके बारे में। तो ये चैंपियन सीरीज है, चैंपियन सीरीज है, ओल्ड स्कूल जो आती थी। अच्छा भाई ये वो है क्या जो डबल कोइल वाला आता है? हाँ डबल कोइल, डबल कोइल। अच्छा और भाई ये वाला अपना पाइनर, भाई ये 306 है, ये जो भी नई सीरीज है कोई। हाँ ये तो नई सीरीज है, ये दोनों थे। अच्छा एक फट गया मेरा, अच्छा तो मैंने ये लगा रखा है। चलो भाई बहुत बढ़िया। और भाई अगर मैं पूछूं ये पेटी अपनी ट्यून्ड है या वैसे बनवाई हुई है? भाई अभी ये बहुत पुरानी है, भाई ने दी थी मेरे को तो। अच्छा अभी चेंज करवानी है ये। चलो बहुत तो बढ़िया। और भाई अगर मैं पूछूं जैसे गाड़ी में कितने एम्प लगे हुए इन दोनों को चलाने के लिए? भाई इन दोनों के लिए तो एक है। अच्छा। वैसे 3 एम्प है, वैसे मतलब 3 एम्प लगा रखे। हाँ। और अगर भाई मैं स्पीकर वगैरह पूछूं, क्योंकि यहाँ पे ये दिख रहे हैं, ये कौन से अपने? भाई ये एक्सपायर की मिड है, ये एक्सपायर की। अच्छा मिड है, ये स्पीकर नहीं है ना, मिड रेंज है भाई देखो एक्सपायर की। और भाई अगर मैं डोर्स वगैरह में पूछूं कुछ? भाई रेफरेंस सीरीज के 2 पेयर कंपोनेंट लगे हुए, 2 पेयर कंपोनेंट लगे। भाई एक बार बूट बंद करो, आप इस साइड से आओ, इंटीरियर में क्या क्या करा रखा भाई से पूछते हैं। तो देखो भाई इंटीरियर में आते ही कुछ ऐसा भाई इंटीरियर मिलता है। यहाँ पे भाई ने भाई एम्बिएंट लाइट लगवा रखी है, यहाँ पे देखो ट्विटर। भाई क्या बताया था आपने डोर में कौन से कंपोनेंट? इन्फिनिटी की रेफरेंस सीरीज, रेफरेंस सीरीज। यहाँ पे देखो भाई आपको ये ट्विटर अलग से मिलते हैं कंपोनेंट में, सबको पता होगा। और यहाँ पे अपना वो कोएक्सल लग जाता है। और देखो ऐसे कुछ भाई ने इसमें एम्बिएंट लाइट लगवा रखी है, बहुत ही ज्यादा मस्त बना रखी है भाई ने मतलब गाड़ी। तो भाई अंदर से आपने क्या क्या करा रखा है इंटीरियर में, क्योंकि ऑडियो की तो हमने देखो बात कर ली। यहाँ पे भाई ये अपने कौन से मिड रेंज है? नाकामिची की, नाकामिची के। देखो भाई कितने ज्यादा मस्त लगते हैं। और भाई जैसे स्क्रीन अपनी, ये भाई 8690, 8690 जो मतलब भाई वो मोस्ट फेमस है जो सबसे ज्यादा ना भाई की। तो मैं अगर पूछूं कि गाड़ी में ओवरऑल आपने मतलब सिस्टम में कितने लगा दिए? भाई सिस्टम में 1,00,000 के आसपास, भाई 1,00,000 के आसपास लग गए। हाँ। सिस्टम में। और भाई मजा आ जाता है, बिल्कुल बिल्कुल भाई, मतलब खुद के साथ साथ बाहर वाले सुनते हैं कि नहीं? बाहर वाले भी सुनते हैं भाई। चलो बहुत अच्छी बात है भाई। सिस्टम के अलावा और क्या अपने इंटीरियर में? भाई इंटीरियर में अभी होना है काम। अच्छा वैसे बस सीट कवर हो रखे हैं, सीट कवर हो रखे हैं। देखो भाई कुछ ऐसे भाई ने सीट कवर लगवा रखे हैं जो की बहुत ज्यादा मस्त है, पूरे ब्लैक। मतलब भाई कुछ अलग कलर में नहीं सोचा था? नहीं ब्लैक ही पसंद है, बाहर से भी गाड़ी ब्लैक और अंदर से भी बहुत बढ़िया। ये भाई सारे पिलर वगैरह छत वगैरह सब अच्छा, ब्लैक हो जाएगा, मतलब पूरी गाड़ी आपको ब्लैक रखनी है। हाँ भाई। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। तो फिर भी भाई से जरूर मिलेंगे जब भाई सारा काम करेंगे यहाँ पे एम्बिएंट लाइट। तो भाई बिना किसी देरी के ना आउटपुट सुनाते हैं आप सभी को, उसके बाद भाई से पूछते हैं भाई ने इसमें टोटल कितने 1,00,000 की मॉडिफिकेशन करा दी। ₹2,500 लगा रखा है भाई, बिल्कुल वर्थ इट है भाई। और अभी तो इससे ऊपर भी आप लगा रहे हो मतलब? भाई अभी तो चल ही रहा है, पीछे की भी जीटी किट रह रही है अभी। अच्छा जीटी किट रह रही है, इंटीरियर रह रहा है वो तो। और भाई म्यूजिक सिस्टम भी अपना पूरा ही चेंज करना है, पूरा म्यूजिक सिस्टम भी चेंज होएगा। अरे वाह भाई नेक्स्ट लेवल होने वाली है, अगली वीडियो ऐसे ही लगवा रखा है। तो भाई देखो भाई इसमें जब भी काम करेंगे जो भी काम करेंगे आपको सारी चीज हम कवर करके बता देंगे। ये वीडियो अच्छी लगी हो भाई, ये पोलो अच्छी लगी हो जरूर लगी होगी भाई, नाम ही बहुत है पोलो का। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं वीडियो के साथ बहुत जल्द।